हमारे पास यहाँ पे ये हैं पांच छह टूल, छोटे छोटे टूल हैं ये टचिंग के लिए यूज़ करते हैं, लिटल बिट टचिंग करने के लिए। लाइक जैसे ये टूल एक है, ये करता है ब्लर, धुंधला करता है, लेकिन टचिंग के लिए यूज़ करते हैं ये, बहुत ज़्यादा धुंधला नहीं करेगा, हल्का सा कर देगा, ठीक है ना, लिटल बिट, बस इससे ज़्यादा नहीं करेगा। अगर आपने शार्पनेस करनी है तो शार्पन टूल, ये शार्प करेगा, ये भी पाँच सात स्ट्रोक्स तो अप्लाई कर देगा, उससे ज़्यादा करोगे तो ख़राब करना शुरू कर देगा, ठीक है। फिर है स्मज टूल, स्मज टूल क्या करता है, कलर को खींचता है, ख़राब कर देता है कलर को। फिर उसके बाद है डॉज टूल, डॉज टूल क्या करता है, अभी ये सारा करने के बाद क्या प्रेस किया मुझे वापस आ गया F12, ये बताया ना कि F12 करे आप कंट्रोल आल डी से, वो कुछ जगह पे करेगा F12, पता क्या करेगा F12, बिल्कुल स्टार्ट में ले आएगा, ठीक है, वो कंट्रोल आल डी तो स्टेप वाइज पीछे आता है ना, बिल्कुल स्टार्ट में ले आएगा। अच्छा फिर है डॉज, डॉज टूल क्या करता है, ब्राइटनेस करता है, वाइट करता है, ये शेडोज खत्म, अगर वाइट ही करेगा है, हाँ वाइट करेगा सर, ब्राइट और कोई इसमें नहीं, कलर नहीं कर रहा, बेसिकल ब्राइट कर रहा है, मींस ये इसको जो सभी कलर उसको ब्राइट करते हैं, हाँ उसके कलर के हिसाब से। अच्छा इसी तरह फिर मैं अब जैसे मैंने बिल्कुल ब्राइट कर दिया तो फ्लैट लग रहा है बिल्कुल, अगर मैंने इसको चारों के शेडोज वगैरह आ जाएँ तो फिर हमारे पास बर्न टूल है, इससे हम डार्कनेस अप्लाई करते हैं, लाइक मुझे इधर शेडोज चाहिए, ठीक है ना, वो ऐसे अब प्रॉपर ज़रा इमेज लग रहा है थोड़ा सा, अगर आप इस एरिया में करोगे तो उसके हिसाब से कलर अप्लाई करेगा, क्योंकि शेडो ना हो तो फिर इमेज ओरिजिनल नहीं लग रहा। स्पॉन्ज टूल क्या करता है, ये कलर ख़त्म कर देता है, ऊपर ग्रे स्केल में ले जाता है, अगर इसका वीक का उसने कलर ग्रे स्केल कर दिया, ग्रे स्केल कलर कर देता है, तो ये छोटे छोटे टूल हैं ये काम कर देते हैं। अच्छा ये वाली ऑप्शन तो नहीं मैंने पढ़ाई है, एडजस्टमेंट्स नहीं, एडजस्टमेंट्स में अब क्या होता है कि वही कलर्स का है ना, सारा कलर्स की गेम है सारी, तो इसमें जैसे आरजीबी कलर यूज़ हुए हैं तो उन कलर्स को हम इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, दो तीन ऑप्शंस का बड़ी काम किए, लाइक ये है कर्व्स, कर्व्स में जाएं तो चैनल पड़े हुए हैं, चैनल क्या है, ये आपके लेयर्स के अंदर चैनल्स नज़र आ रहे हैं, वही तीन कलर जो आप आरजीबी उनका पिक्चर है, ठीक है ना। कर्व्स में आया तो यहाँ पे एक आपको लाइन नज़र आ रही है, अब कर्व्स क्या काम करता है, तीन चीज़ें होती हैं जिसके कम्बिनेशन से मिलके आपका ओरिजिनल इमेज बनता है, वो तीन चीज़ें क्या हैं, एक उसकी हाइलाइट्स जो ब्राइटनेस आ रही है, ठीक है, एक उसका शेडो उस ब्राइटनेस के मुताबिक, एक उसका एक्चुअल कलर, अगर आप खाली एक्चुअल कलर कर दोगे तो ऐसे लगेगा जैसे इमेज फ्लैट है, ब्राइटनेस होगी उसके शेडोज होंगे तो वो एक्चुअल इमेज लगता है, तो वो तीन चीज़ें यहाँ से हैंडल होती हैं, ये ब्राइटनेस के लिए, यहाँ से करेंगे तो शेडो के लिए, ये मिड टोन्स ओवरऑल, ठीक है। लाइक मैं इसको, मेरे पास एक इमेज आया है और मैं चाह रहा हूँ थोड़ा ब्राइट हो जाए, साफ हो जाए, ये इमेज बिल्कुल, तो मैं इसको साफ़ करना चाह रहा हूँ, ब्राइट करूँगा थोड़ा सा, इमेज ब्राइट हो रहा है, ठीक है ना, लेकिन ज़्यादा नहीं करना, वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, इसको जितना ब्राइट करोगे, अब ब्राइट तो लग रहा है लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसकी ब्राइटनेस जितनी होगी उसके हिसाब से शेडो होना चाहिए ना, तो शेडो भी अप्लाई करूँगा तब जाके वो एक ज़्यादा अब चमक लग रही है इस इमेज के अंदर, आ रही है, ठीक है ना, साफ हो रहा है। अगर आप चाह रहे हो दोनों चीज़ों को प्रोपोर्शन इकट्ठा लेके चलना है तो मिड टोन से पकड़ लो, अब ये ब्राइटनेस की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ आओगे तो डार्कनेस की तरफ आ रहा है, ठीक है ना, जहाँ पे डार्क एरिया वो ज़्यादा डार्क कर रहा है ब्राइटनेस के नीचे, जहाँ पे ब्राइट एरिया उसको ज़्यादा ब्राइट कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ से हम ये डार्क क्यों कर रहे हैं, ये तो बेसिकली करते ब्राइट है क्या, नहीं ऊपर की तरफ ब्राइट है, नीचे शेडो डार्कनेस है, ठीक है, ये यहाँ पे हमारी डार्कनेस है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आप किसी खास कलर के ऊपर करना चाहते हो, लाइक मैं ग्रीन पे करना चाहता हूँ, तो अब सिर्फ ग्रीन का इफेक्ट आएगा, या ग्रीन उसमें से हो रहा है, नहीं पूरे बेसिकली ये पूरा ऑब्जेक्ट आरजीबी से मिलके बना हुआ ना, ग्रीन यहाँ पे भी हो सकता है, ग्रीन यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है ना, तो पूरे के ऊपर ही होल इफेक्ट देगा। उसके बाद अगर आप इसमें इररेगुलर इफेक्ट लाइक बनाना चाह रहे हो, तो मैं यहाँ पे पकड़ता हूँ नोट लग गई है, दूसरी नोट यहाँ से पकड़ के यहाँ पे, तो देखा ना अजीबो गरीब वो कलर बेसिकली आपस में ना लाइट्स वगैरह मिक्सअप होना शुरू हो गई है,
शेप भी चेंज हो रही, कलर्स बेसिकली चेंज हो रहे हैं, तो ऐसे लग रहा थे। ठीक है ना, नोट से पकड़ के हम लोग भी कर सकते हैं कर्व्स। फिर उसके बाद कलर बैलेंस है, ये भी बहुत यूजफुल ऑप्शन है। ये क्या काम करती है, जब हमने कलर्स बैलेंस करने होते हैं ना, लाइक मैं चाह रहा हूँ इसके अंदर रेड कलर का इफेक्ट आ जाए पूरे इमेज के अंदर, तो मैं इसके रेड को 100% कर देता हूँ। रेड आया लेकिन अभी प्योर रेड नहीं आया, ठीक है, हल्का सा रेड का इंप्रेशन आया। उसकी रीज़न ये है कि रेड 100% तो हो गया है, लेकिन सिर्फ मिड टोन्स 100% हुई हैं, उसकी हाईलाइट्स और शेडोज 100% नहीं हुए। मैं शेडो पे क्लिक करूँगा, अब रेड करता हूँ तो उसके शेडो भी रेड हो रहे हैं, हाईलाइट्स पे क्लिक करके रेड करता हूँ तो अब उसकी हाईलाइट्स भी रेड हो रही हैं, जहाँ जहाँ पे था वो हर चीज़ इंप्रेशन। ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल दिया कि रेड करना है। वैसे हम क्या करते हैं, कलर्स को बैलेंस करना करने के लिए यूज़ करते हैं। इसको आप ज़्यादा यूज़ करोगे ना, आपको ये भी आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि किस कलर में क्या मिलाओ तो क्या बनता है। अलग से आन को ज़्यादा ऐड करना चाह रहा हूँ, ग्रीन को कम ऐड करना चाह रहा हूँ, तो हम यहाँ से सारे बैलेंस करते हैं। शेडोज़ के एडजस्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, तो यहाँ से कलर्स बहुत अच्छे बैलेंस होते हैं। लेकिन ये कब होंगे, जब ज़रा इस पर प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगी ना, पता चलना शुरू हो जाएगा कि कलर कौन सा कहाँ पर एडअप करना है, तो वो एडजस्ट आइडिया हो जाता है। फिर ब्राइटनेस और कंट्रास्ट है, वही सिंपल है, तो ब्राइट करना है या डार्क करना है या कंट्रास्ट। कंट्रास्ट का मतलब है ऑपोजिट कलर, लाइक ये ग्रीन और वाइट कंट्रास्ट है, लेकिन मैं फिर भी और भी कंट्रास्ट कर सकता हूँ। जितना ज़्यादा डिफरेंस आएगा उतना ज़्यादा कंट्रास्ट होगा। अब ज़्यादा शार्प हो रही है ना, तो वो ज़्यादा कंट्रास्ट हो रही है। फिर है ह्यू स्लैश सैचुरेशन। ह्यू सैचुरेशन क्या काम करता है, इसमें भी वो सारे कलर्स आ रहे हैं, हमें किस कलर के हिसाब से करना है, मास्टर करता हूँ इसका मतलब ऑल कलर्स। ह्यू का मतलब होता है कलर को रिप्लेस करना, सैचुरेशन का मतलब होता है कलर को ऐड करना। पहले ह्यू करता हूँ, नीचे मुझे दो एक जैसी लाइनें नज़र आ रही हैं कलर की, मैं जब ह्यू ऐड करूँगा तो नीचे वाले कलर मूव करेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, जिस कलर के नीचे जो कलर आ जाएगा उस कलर में वो रिप्लेस हो जाएगा। लाइक ग्रीन के नीचे अगर रेड आ जाता है तो इस इमेज के अंदर ग्रीन जहाँ पे यूज हुआ वो रेड में रिप्लेस हो जाएगा। अगर लाइक येलो के नीचे कोई कलर आ जाता है तो वो उस कलर के अंदर रिप्लेस हो जाएगा। ह्यू रिप्लेस करता है, जब मैं मूव कर रहा हूँ नीचे वाली लाइन मूव हो रही है, अगर ग्रीन के नीचे ब्लू आया तो जहाँ पर ग्रीन था वो ब्लू के अंदर कन्वर्ट हो गया, जहाँ येलो था वो लाइट ब्लू के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो वो रिप्लेस कर रहा है कलर्स को, पूरा इमेज रिप्लेस हो रहा है। इसको मैं इसको मतलब देखता हूँ, यहाँ पे एक मैं इमेज रखा नहीं था वो फ्रूट्स का, जिस जिस जगह पे जो जो कलर है वो रिप्लेस हो रहे हैं कलर। लाइक इस बंदे की शर्ट रेड है ना, तो रेड के नीचे रेड आ रहा है, मैं मूव कर रहा हूँ, अब रेड के नीचे कलर आ गया है पिंक, तो पिंक से कन्वर्ट हो गया जहाँ जहाँ रेड था, ठीक है ना। तो जो जो कलर जहाँ जहाँ पे होगा उसके नीचे जो भी कलर आ जाएगा उस कलर से रिप्लेस कर देगा। रिप्लेसमेंट सिंगल, अगर सिंगल पे करना है ना आपने, तो उसको अलग लेयर पे ले जाना और फिर अप्लाई करना ऐसे। वो तो आपने पहले बताया ना कि सिलेक्शन में हो जाए, हाँ इस तरीके से करना कि सिंगल ऑब्जेक्ट पे हो, नहीं फिर तो पूरे पे ही होगा ना। हाँ ये कर सकते हैं सिंगल कलर पे, सिंगल कलर पे कर सकते हैं। लाइक मैं चाह रहा हूँ सिर्फ रेड वाले के ऊपर ही लॉक लग गए, तो आप रेड कर दो, अभी इसके ऊपर लॉक लग गए, अब सिर्फ रेड वाले एरिया पे चेंज होगा जहाँ जहाँ रेड यूज हुआ होगा, बाकी इनके कलर चेंज नहीं हो रहे हैं, जहाँ जहाँ रेड है वही चेंज होगा। ये हो सकता है, अदरवाइज आप चाह रहे हो सिर्फ एक ही पे हो, फिर वो आप लेते फिर नहीं लेते ले के करना होगा, तो ह्यू रिप्लेस कर रहा होता है। इसी तरह फिर सैचुरेशन क्या करता है, सैचुरेशन को बढ़ाओगे तो जहाँ जहाँ पे जो जो कलर है वो उस कलर की मिकदार और बढ़ जाएगी, ऐड हो जाएगी। सैचुरेशन को कम करोगे तो वो कलर उसमें से निकलता जाएगा, बढ़ता जाएगा या निकल। अगर मैंने सैचुरेशन ज़्यादा कर दिया है तो सारे कलर ज़्यादा डार्क हो गए,
ठीक है, सेचुरेशन कम कर दूंगा तो वो कलर्स लाइट होते जाएंगे, बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा तो ग्रे स्केल हो जाएगा, ब्लैक एंड वाइट टोन में चला जाएगा। ठीक है, फिर थर्ड ऑप्शन है लाइटनेस। लाइटनेस का मतलब ब्राइट करना या डार्क करना। अच्छा, अब इसके अंदर ये तो मैंने वो वाले कलर यूज़ किए जो उसके अंदर आ रहे थे, मैंने अपनी मर्ज़ी के कलर से इसको रिप्लेस करना है या कोई काम करना है तो वो कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। उस कलर को फोरग्राउंड में सेलेक्ट करना है। ठीक है, बैकग्राउंड में नहीं, नहीं बैकग्राउंड में नहीं, वो फोरग्राउंड का कलर पिक करेगा। अच्छा, यहाँ पे आके ह्यू सैचुरेशन में ऑप्शन है कलराइज, इसको ऑन कर देना है। जैसे मैंने ऑन किया, वो जो मैंने कलर सेलेक्ट किया था उसका इफेक्ट आ गया, नीचे सारा वही कलर हो गया। अब इस कलर की मिकदार मुझे बढ़ानी है तो यहाँ से बढ़ती है मिकदार, वही तरीका, लाइट करना है कलर, डार्क करना है कलर, थोड़ी सी ह्यू को एडजस्ट करना है उसके हिसाब से। तो अब उसी कलर के हिसाब से सारी चेंजेस आ रही हैं जो आपने स्पेसिफिक कलर फोरग्राउंड में सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पे ये टेक्स्ट लास्ट में पढ़ाऊँगा, ये पहले मैं पढ़ा दूँ। पेन टूल है, ये भी सिलेक्शन करता है, जैसे कोरल ड्रॉ के अंदर ही यूज़ होता है शेप टूल, उस तरीके से पेन टूल यूज़ होता है, नोट्स बनाता है। ये ऊपर दो ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं, अगर तो ये वाली पहली वाली ऑप्शन सेलेक्ट होगी, ये शेप लेयर है, ये क्या करेगा, एक जो भी आप काम कर रहे थे तो नई लेयर बना देगा शेप की, और उसके अंदर ये वाला कलर फोरग्राउंड का फील होता रहेगा, ये थोड़ा प्रॉब्लम करता है, यानी कि आपको डिस्टर्बेंस होती है। ज़्यादा बेटर हमने पाथ बनाना है ना, बेसिकली हमने सिलेक्शन करनी है, तो आप क्या करो, शेप टूल पकड़ो, पेन टूल पकड़ो, ये ऑप्शन है पाथ, ये सिलेक्शन करेगा। लाइक मैं इसको जैसे कोरल के अंदर हैंडल बना रहा था, उसी तरीके के हैंडल बना लेते हैं, हैंडल बनाने के तरीके ड्रैग कर लो, जैसे बेजियर टूल से नहीं हम ड्रैग कर देते थे लास्ट, वो वही काम कर रहे हैं। अब आपने सिलेक्शन करनी है ज़रा स्मूथ, जैसे ये है, इधर क्लिक किया स्मूथ सिलेक्शन के लिए, ठीक है ना। अगर आप क्या कहते हैं, मैं लाइंस लगा देता हूँ, अब मेरे पास यहाँ पे हैंडल आ रहा है, ठीक है, हैंडल्स को अब यूज़ करना है ना, तो उसके लिए दो बटन है, कंट्रोल और ऑल्ट। लाइक मैं इसके इधर एक नोट ऐड करना चाहूँ, तो नोट ऐड करने के लिए है ऐड एंकर पॉइंट, यहाँ पे एंकर पॉइंट लगाया, दोनों तरफ हैंडल आ गया। अब ऑल्ट या कंट्रोल को यूज़ करना है, कंट्रोल प्रेस कर रहा हूँ तो दोनों तरफ में ये मेक नोट स्मूथ वाला काम कर रहा है, अगर मेक नोट कस्प वाला करना है तो ऑल्ट प्रेस करो, ऑल्ट के साथ मेक नोट और कस्प, कंट्रोल के साथ दोनों साइड यूज़ करता है, हैंडल लगाता है, वो एडजस्ट करता है। इसी तरह आपने डिलीट करना है और नोट को सेलेक्ट करके डिलीट, ठीक है। अब जब मैंने सारी सिलेक्शन कर ली है, अब ये डिलीट ये ऊपर उस पर क्लिक कर देना, सिर्फ डिलीट है करना है। अब मैंने सिलेक्शन कर दी है जैसी भी, अभी ये पाथ वन है, ठीक है ना, ये सिलेक्शन के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट करने का तरीका कंट्रोल एंटर, अब वो सिलेक्शन के अंदर कन्वर्ट हो गई, ठीक है ना। तो ये जो सारी ऑप्शन है ना, ये सारी यही करती हैं, पाथ बनाती हैं, कंट्रोल एंटर से कन्वर्ट करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है, हाँ सिलेक्शन के, ये अभी पाथ बनाई, सिलेक्शन नहीं है। अब मैंने इसमें कलर करने का, कलर नहीं कि ये सिलेक्शन हो गई हमारी, नहीं ये पाथ है, पाथ का काम पाथ और सिलेक्शन में क्या क्या फर्क है, पाथ में सिलेक्शन का मतलब है वो डायरेक्ट हमने करनी सिलेक्शन ही होती है, लेकिन जैसे ये हमने लेकिन मैंने अपनी शेप के मुताबिक करनी है तो मुझे इसको नोड्स अप्लाई करनी पड़ेगी ना। तो क्या होता है कि लाइक मैंने इसके ऊपर करना है, ये अभी पाथ बना है, मैं चाह रहा हूँ इधर कोई आर्क सी बनानी है तो वो नोड बना के करूँगा ना, तो इसके ऊपर मैं नोड ऐड करके, ठीक है, कर लूँगा चेंज अपनी मर्जी की, जब शेप बना लूँगा फिर एंटर करना है, क्योंकि एक दफ़ा एंटर हो गया फिर मैं शेप नहीं बना सकूँगा, इसलिए पाथ बनता है, समझ लगी है। इसीलिए अब देखो ना, ये रेक्टेंगल टूल है, रेक्टेंगल टूल तो ये भी है, लेकिन ये इसलिए है कि इसके ऊपर हम पाथ नोड अप्लाई कर सकते हैं, इस पर नहीं अप्लाई कर सकते। जैसे यहाँ पे फ्री फॉर्म पेन टूल है, फ्रीली पाथ बनाता है, ठीक है, लेकिन ये लेसर टूल भी यही काम करता है, फ़र्क वही है कि ये डायरेक्ट पाथ से सिलेक्शन कर देगा लेकिन ये पाथ बनाता है। फिर इसमें है कस्टम शेप टूल, कस्टम शेप टूल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे कुछ ना इसके बनी बनाई शेप्स हैं,
लाइक मुझे उसमें से कुछ शेप चाहिए। ठीक है, ये भी पाथ है, इस पर भी आप मोड ऐड कर सकते हो अगर पढ़ना चाहो। कंट्रोल एंटर से कन्वर्ट, कॉपी पेस्ट करके नई लेयर पे ले जाओ। ठीक है, डबल क्लिक करके इसको मूव कर दो। ठीक है ना, बाकी ये वही उसी तरीके से काम कर रहा होगा। तो ये दोनों ऑप्शंस एक ही तरह का काम कर, सिर्फ इतना फर्क है कि पाथ में हम जो उनसे ऑब्जेक्ट को पाथ में हम मोड दे सकते हैं, बस यही फर्क है। और पाथ को बाद में कन्वर्ट करना पड़ता है कंट्रोल एंटर से सिलेक्शन के अंदर। सिलेक्शन के अंदर पाथ लगा दिया ना, ये अब ये सिलेक्शन नहीं है, कंट्रोल एंटर करूँगा तो सिलेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपने वर्किंग करनी है। ठीक है, हाँ, पहले हम वो शेपअप कर लेते हैं ना अपने हिसाब से। ईमान बेटा क्या हाल है, खेले? ठीक हो? ये क्या भाई पूछ रहे हैं, इधर आओ, वो पूछते हैं क्या हाल है, ठीक हो? हैं? ठीक हो? आपने हाथ मिलाया, शेक हैंड करो। तो आके बेटा जी अस्सलाम वालेकुम नहीं बोलते? सलाम भी नहीं करती हो? कभी सो के उठी हो आप? आज स्कूल नहीं गई? कब जाना? कल क्या करना है? कल की छुट्टी है आपको? तो 9 बजे जाना। 9 बजे जाना है? क्यों? ईगल है। ईगल है? ईगल है।